सरकार के आह्वान पर होली के पर्व को देखते हुए रंगोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम रामलीला रंगमंच पर हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। कार्यक्रम में प्रदेश भर के एक से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकारों ने कार्यक्रम में शिरकत की है। यह तस्वीरें रामलीला रंगमंच की तस्वीरें हैं, लेकिन यहाँ रामलीला का आयोजन नहीं हो रहा है। बता दें कि रामलीला कमेटी के सहयोग से रामलीला मैदान में रंग उत्सव कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार के आह्वान पर किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि की भूमिका में पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग ठाकुर जयवीर सिंह ने सबसे पहले माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया है, जिसके बाद यहां के पदाधिकारियों की ओर से मुख्य अतिथि का गर्मजोशी के साथ स्वागत सम्मान किया गया। बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति कला एवं संस्कृति संस्थान लखनऊ द्वारा इस कार्यक्रम को आयोजित कराया गया था, जिसमें प्रदेश भर के कई जनपदों से बढ़कर एक बेहतरीन कलाकार ब्रज क्षेत्र के ब्रज बुंदेलखंड पूर्वांचल अभद रोहिलखंड के कलाकारों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रचलित होली परंपरा पर आधारित मनमोहक प्रस्तुतियां यहां श्रोताओं के सामने पेश की, जिनको देखकर यहां बैठे लोग ताली बजाने पर मजबूर हो गए। मनमोहक प्रस्तुतियां देखकर यहां लोग उत्साहित थे। वहीं देर शाम शुरू हुआ कार्यक्रम स्वर्ण के दौर में चैन कवि ईश्वरी प्रसाद बिसूरी के चौकड़ी ऊपर आधारित सुनाई, जिसके बाद यहाँ एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी गई, जिसमें कावत की नीरज की लत बार एवं फूलों की होली प्रयागराज जी डांडिया नृत्य साथ हिम्मत पाके बेहतरीन गायक हेमंत ब्रजवासी ने लोगों में उत्साह भरने का काम किया। देर रात तक कार्यक्रम में लोग मौजूद रहे और आनंद से विभोर होते रहे। क्योंकि इस मंच से प्रथम